हमारी शक्ति जो कि एक और एक 11 होनी चाहिए थी, ठीक यहीं पर आकर के एक और एक हो गई है, क्योंकि हम दो हिस्सों में बट गए हैं। हमें जहाँ अपनी ताकत को एक दूसरे के साथ मिला करके प्रयोग करना चाहिए था, वहाँ हम अलग हो गए हैं। महिलाओं की स्थिति का ये नहीं मतलब है कि बहुत अच्छा खा रही हैं, बहुत अच्छा पहन रही, वो तो है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस महिला को बोलने का कितना हक है, अपनी राय रखने का कितना हक है, उसकी बात कितनी समझी जाती है, कितनी मानी जाती है। उन महिलाओं को एक बार राम राज्य के दर्शन करा दिए जाए ना, तो वो महिलाएं आज के आज अंबेडकर के पीछे खड़ी हो जाएंगी। वो जो हमारे त्यौहार हैं, त्यौहार हमारे पराजित होने के त्यौहार हैं। आर्यों का हमसे संघर्ष हुआ, हमारे पूर्वजों से संघर्ष हुआ, वो जीत गए, हम हार गए। तो ये धर्म की रसायन, धर्म की अफीम, धर्म की शराब पियो और क्या रहो, हमेशा रघुपति के दास रहो। रघुपति मतलब राम, और क्या रहो, दास, बराबर में मत आना। आप लोगों ने जरूर देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन के घर का दृश्य है, मतलब जो उसमें किरदार है, और उसमें छोटा बच्चा, उनका पोता आकर के बैठने की कोशिश करता है एक चेयर पर, तब तक लोग रोक देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे दादाजी की चेयर है। तो बच्चा उनसे सवाल करता है कि ये दादाजी की चेयर क्यों है, ये स्पेशल चेयर क्यों है। तो क्या जवाब देते हैं लोग, अमिताभ बच्चन क्या जवाब देते हैं कि ये हेड ऑफ द फैमिली की चेयर है, यानी कि दादाजी की। मैडम ने भी बिल्कुल सही कहा कि हम देखते हैं अपने समाज में, आज भी देख रहे हैं कि हम आधा आधा डिवाइडेड हैं। हमारी शक्ति जो कि एक और एक 11 होनी चाहिए थी, ठीक यहीं पर आकर के एक और एक हो गई है, क्योंकि हम दो हिस्सों में बट गए हैं, हम अलग हो गए हैं। एक दूसरे के साथ हमारा कोई भी सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे के साथ हमारा कोई जुड़ाव उस तरीके से नहीं है, वैचारिक रूप से नहीं है। हम परिवार में जरूर हैं, एक समाज में भी हैं, लेकिन हमें जहाँ अपनी ताकत को एक दूसरे के साथ मिला करके प्रयोग करना चाहिए था, वहाँ हम अलग हो गए हैं। ऐसा क्यों है, हेड ऑफ द फैमिली फादर ही क्यों है, हेड ऑफ द फैमिली मदर क्यों नहीं, या हेड ऑफ द फैमिली फादर के साथ मदर भी क्यों नहीं, दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते, हेड ऑफ द फैमिली एक ही क्यों होगा। हमको बचपन से ऐसा ही पढ़ाया गया, हम सब आज भी पढ़ाया जाता है। 21वीं सदी में बनी है यह फिल्म बागबान, जो साफ साफ कह रही है कि आज भी हम उसी मानसिकता से हैं, उससे अलग नहीं हुए हैं। और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास है कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हाँ, ये महिला का सेक्शन है, ये पुरुष का सेक्शन है। मुझे महिलाओं के चेहरे अलग अलग ढूंढने पड़े, ऐसा होना चाहिए, पुरुषों के चेहरे अलग अलग ढूंढने चाहिए पड़े, मुझे मेहनत लगानी पड़े, मेहनत करनी पड़े कि हाँ भाई, महिलाएं कहाँ बैठी हैं जरा ढूंढूँ तो सही, कहाँ हैं पुरुष, कहाँ बैठे हैं जरा ढूंढूँ तो सही। मुझे केवल मेरे समाज के लोग चाहिए, मुझे महिला या पुरुष नहीं चाहिए। हम महिला और पुरुष तो हैं, लेकिन हम उससे पहले हमारे समाज के लोग हैं, ह्यूमन बीइंग। हम महिला होते हुए ह्यूमन बीइंग हैं, हम पुरुष होते हुए ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन हमारी पहली पहचान तो यही है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। हम अन्य जानवरों से अलग किए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के रूप में, लेकिन जब महिलाएं अलग की जाती हैं तो पुरुषों को सामने खड़ा किया जाता है कि भाई, ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं। लेकिन बाबा साहब ने इसी बात पर चोट की थी, बाबा साहब ने दलितों के लिए आंदोलन चलाया था, तो उनको महिलाओं के लिए करने की क्या जरूरत थी, अलग से काम, अलग से मेहनत करने की क्या जरूरत थी। मैडम ने और बाकी कई लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी समाज को मापने का पैमाना ये होता है कि हम ये देखें कि उस समाज में, उस परिवार में भी, परिवार के लिए मापने का पैमाना यही है कि उसका वैचारिक लेवल क्या है, उसके सोचने समझने का, व्यवहार का उसका अपना लेवल क्या है, तरीका क्या है, ये देखना कि उस परिवार में महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाओं की स्थिति का ये नहीं मतलब है कि बहुत अच्छा खा रही हैं, बहुत अच्छा पहन रही, वो तो है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस महिला को बोलने का कितना हक है, अपनी राय रखने का कितना हक है, उसकी बात कितनी समझी जाती है, कितनी मानी जाती है। उसकी हर एक बात मानना ज़रूरी नहीं,
नहीं निर्णय देगा, लेकिन उसकी बात सुनी कितनी गई, उसकी बात पर समझने की कोशिश कितनी गई, विचार कितना हुआ। ये उसके कपड़े से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको खूब लग्जरियस कपड़े दे दीजिए। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े आपको कोठियों जिनको कोठी कहते हैं, मतलब जिसमें करोड़पति लोग रहते हैं, उनके घरों में देखिए उनके महिलाओं के पास आधा किलो सोने का जेवर कम से कम जरूर होगा। साड़ियों के महंगे कपड़ों के बक्से हजारों हजार रुपए के भरे होंगे, कोई उसमें कमी नहीं है। लेकिन उनका जो पारिवारिक हैसियत है, उनकी पारिवारिक हैसियत, उनका रुतबा है, वो क्या है? वो आज भी सबके सामने डांट दी जाती है। पति जो है सबके सामने उस पत्नी को डांट देता है, तू चुप रह, तेरे पास दिमाग नहीं है। मैं पिछली बार एक महीने पहले यहाँ आई थी अपने भाई के पास, तो जिस गाड़ी में आ रही थी उस गाड़ी के ड्राइवर ने कहा, मतलब कार थी, कार के ड्राइवर ने कहा, मैडम ऐसा है ना कि औरतों के पास ज़्यादा दिमाग होता नहीं है, तो हम उनको थोड़ा सा बाहर इन्वॉल्व नहीं करते, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करने देते किसी को। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और उसने कहा कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, आगे जाकर सोचते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, हम आज़ादी देते हैं महिलाओं को, हम अपने घर की लड़कियों को पढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि जब आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, अपनी घर की महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, तो फिर उनमें दिमाग कैसे नहीं है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तो कह रहे नहीं नहीं मैडम, दिमाग सचमुच में उनके पास थोड़ा कम होता है हमसे। मैंने कहा कितनी बार आपने उनकी बात सुनी है, कितनी बार आपने उनकी बात पर गौर किया, उनको कहने कितना दिया है। हम आते हैं अब अपने टॉपिक पर, इस बात को यही छोड़ देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाबा साहेब ने महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए अलग से काम किया दलितों के साथ, और उन महिलाओं में केवल हमारे समाज की महिलाएं नहीं थी, उनमें ब्राह्मणों की महिलाएं भी थी। आज ब्राह्मणों की महिलाएं राम राज्य चाहती हैं, लेकिन उन महिलाओं को एक बार राम राज्य के दर्शन करा दिए जाए ना, तो वो महिलाएं आज के आज अंबेडकर के पीछे खड़ी हो जाएंगे। उनको नहीं पता कि राम राज्य में महारानी, राज्य की महारानी का भी कोई सम्मान नहीं था। एक व्यक्ति ने कह दिया, अब कहा कि नहीं कहा किसी को नहीं पता, जिस राम ने अपने वनवास जब मिला तो जनता रोकती रह गई कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन फिर भी राम चले गए। जनता तब दिखाई नहीं दी, लेकिन जब पत्नी को घर से बाहर निकालना हुआ तो जनता की आज्ञा, जनता की इच्छा उनके सामने आकर के खड़ी हो गई कि जनता की इच्छा है। एक आदमी ने कहा और जनता की इच्छा इतना बड़ा सवाल उनके लिए हो गई, और उसका पालन करना उनके लिए कितना ज़रूरी हो गया कि महारानी को उस गर्भ की अवस्था में उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो बाकी आम हमारे जैसे लोगों की क्या हैसियत, हमारे जैसी महिलाओं की क्या औकात होगी उस राम राज्य में? उसी राम राज्य में हमारे समाज की लड़कियां बिकती थी, लड़के लिखते थे दासों के रूप में। हम उसी राम राज्य को चाहते हैं, उसी राम राज्य को चाहते हैं जिसमें हमारे हम लात जूते खाएंगे, गालियां खाएंगे, कभी भी हमको उठा के बेच देगा कोई भी बेच देगा, जिसमें बाप अपने बेटे को बेच देता है। सुना शेख की कहानी तो याद है ना, और उसके बाप ने खुद ही उसको बेच दिया मानव बलि चढ़ाने के लिए। राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी कहलाते हैं, अपने बेटे को जिंदा बचाने के लिए उन्होंने सुना सेब की बलि चढ़ाने की पूरी योजना बना ली वशिष्ठ के साथ मिलकर। खैर, हमारी महिलाओं को सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले जो मैंने बात कही कि हम अलग हो गए, एक और एक हो गए हम, जबकि 11 हो सकते थे, हमारी ताकत 11 हो सकती थी, लेकिन हम अलग हो गए, एक और एक बन गए। महिलाओं को बराबर लाना क्यों ज़रूरी है, और बराबर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही। सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। बाबा साहब कहते थे यदि तुम्हारे पास 2 रुपये हैं तो 1 रुपया तुम रोटी में खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 रुपया अपनी किताब के लिए ज़रूर रखो। महिलाओं का पढ़ना क्यों ज़रूरी है, महिलाओं का विचार विमर्श में शामिल होना क्यों ज़रूरी है, बल्कि मैं कहूँगी कि पुरुषों से ज़्यादा ज़रूरी, उनका यदि 49% ज़रूरी है पढ़ना, तो महिलाओं का 51% ज़रूरी है पढ़ना। ऐसा क्यों? हर एक परिवार में देखिए, जो धार्मिक आयोजन हम लोग जो धार्मिक काम करते हैं, अभी एक हमारी बहन ने कांवड़ यात्रा की बात की। कांवड़ यात्रा में जो लोग गए, जो बच्चे गए, किसके बच्चे थे? हमारे बच्चे थे ना।
कितने ब्राह्मणों के बच्चे गए थे कावर उठा करके, मुझे तो नहीं पता। मैं तो नहीं जानती कि एक भी ब्राह्मण का बच्चा या एक भी आपको व्यवसायी का बच्चा, किसी प्रोफेसर का बच्चा, मैडम प्रोफेसर प्रोफेसर हैं, बता सकती हैं कि किसी प्रोफेसर के बच्चे ने कांवड़ उठा करके यात्रा की थी, किसी डॉक्टर के बच्चे ने यात्रा की, किसी इंजीनियर के बच्चे ने कांवड़ यात्रा की? नहीं की। वो हमारे बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, अनपढ़ बच्चे थे पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने केवल अक्षर ज्ञान हासिल किया था, किताबी ज्ञान हासिल किया था, पढ़ाई नहीं की थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनकी माएँ स्वतंत्र रूप से सोचती नहीं थी। आज भी आप लोग हम यहाँ बैठे हैं, कुछ समय के बाद जब अगला त्यौहार आएगा तो फिर से हम वही करेंगे। हम 2-3 महीने काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। हमारी एक माता यहाँ पे बैठी हुई हैं 70 साल की, जिन्होंने हमारे समाज के लिए इतनी पता नहीं कि ये हमारी पढ़ी लिखी है कि नहीं, लेकिन इनके पास दिमाग कितना है। हम सब उनके आगे पानी भरते हैं और वो जगी हैं तो उनके बच्चे जरूर जगे होंगे, ये तय है। उनको उन्होंने अपने बच्चे को, अपने पोते पोतियों को नहीं बोला होगा कि जाओ कांवड़ यात्रा कर। लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तब भी, पढ़े लिखे हैं तब भी हम क्या करते हैं, 2-3 महीने पैसे इकट्ठे किए, तब तक हिंदुओं का त्यौहार आया, वही त्यौहार जो हमारे समाज, हमारे मूल निवासी समाज का आर्य ब्राह्मण जो है वो आर्य हैं, विदेशी हैं, उतने ही विदेशी जितने अंग्रेज थे, बल्कि उनसे 1000 गुना ज़्यादा बुरे विदेशी हैं। अंग्रेजों ने तो हमारा उत्थान किया, उन्होंने जिनका शोषण किया वो अपनी जगह होगा, लेकिन हमारा तो उद्धार किया ना। पढ़ने लिखने का अधिकार सबसे पहले उन्होंने हमें दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर, उनसे पहले ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले, इन सब ने पढ़ाई केवल और केवल इस वजह से की क्योंकि भारत में अंग्रेज आए थे। अंग्रेज नहीं आए होते तो हम नहीं पढ़ते, आज हम यहाँ होते ही नहीं, बाबा साहेब भी नहीं आ पाते, ये तो बात सही है। अब रही पढ़ाई की बात कि हम 2-3 महीने, हाँ वो जो हमारे त्यौहार हैं, त्यौहार हमारे पराजित होने के त्यौहार हैं। आर्यों का हमसे संघर्ष हुआ, हमारे पूर्वजों से संघर्ष हुआ, वो जीत गए, हम हार गए, और हमारी हार को हमसे बचा करके, हमसे छुपा दिया, हमको पढ़ने नहीं दिया कि हमको पता चल जाए कि हाँ इनसे लड़ाई हुई थी और ये लोग हारे थे, और इनकी हार को हम अपनी जीत के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हमको नहीं पता, लेकिन उनको पता है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ती है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को ध्यान में रखती है कि हमारे अतीत में क्या था। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा चाणक्य, आप में से जो बुजुर्ग होंगे उन्होंने ज़रूर चाणक्य सीरियल देखा होगा, उसमें क्या कहता था, अपना इतिहास पलट कर, अपने अतीत को पढ़कर, हम करें राष्ट्र का सृजन, हम करें राष्ट्र आराधन। मतलब वो अपना इतिहास पलटकर, आर्यों ने कहा कि अपना इतिहास पलटो, देखो क्या था हमारा इतिहास, अपने अतीत को पढ़कर, अपना अतीत पढ़ो, हमेशा हम जीते हैं, और उसी जीत को लागू करते जाओ, उसी जीत को फॉलो करो, अपनी पीढ़ियों को बताओ, इनको अनपढ़ रखो ताकि हम जो भी कहें ये चुपचाप मान लें। हम अपनी जीत को त्यौहार बना देते हैं और इन्हीं से सेलिब्रेट करवाएंगे, और ये लोग जो 2-3 महीने कमा करके पैसे इकट्ठा करते हैं, जिससे ये लोग किताबें खरीद सकते थे, अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, कुछ अलग किताबें, सिलेबस से थोड़ी अलग किताबें, बाबा साहेब के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्री बाई फुले के बारे में, शाहू जी महाराज के बारे में बता सकते थे, वो ना करें, उनको तुरंत किसी न किसी त्यौहार के बहाने खर्च करवाओ। इसी तरह से इनके बच्चों को जैसे जैसे हो सके इनको बिजी रखो, हमेशा धार्मिक कार्यों में। तो जो ये हमारे कांवड़ यात्रा हुई है, ये इसमें बच्चे हमारे गए हैं, आप लोग टीवी में इंटरव्यू देखिए, 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा कांवड़ उठा करके गया है, वो बच्चा जिसको स्कूल में होना चाहिए था वो कहाँ जा रहा है, कांवड़ में जा रहा है, मर भी रहा है, भूख से मर रहा है, अपना समय तो बर्बाद कर ही रहा, वहाँ जा रहा है, 10 अपने जैसे बेवकूफ़ों को देख रहा है, प्लस वो और क्या कर रहे हैं, जगह जगह आपके स्वागत में तैयारी किए हुए हैं, फूल मालाओं के साथ, तो खाने पीने की सुविधा, तो ये सुविधा वो सुविधा, इससे आपको क्या लग रहा है, हम जैसे मान लीजिए मैं कांवड़ लेकर के आ रही हूँ, मैं जैसे ही पहुँचती हूँ वो फूल मालाओं से मेरा स्वागत करते हैं, मैं फूल कर कुप्पा हो जाती हूँ और सोचती हूँ अरे वाह अगली बार तो और भी ज़्यादा मुझे स्वागत मेरा स्वागत होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा जगह पर मेरा स्वागत हो, तो चलो अगली बार फिर चलेंगे।
घर में आती हूँ, अपने भाई बहन को बताती हूँ, मेरे भाई बहन कहते हैं हाँ मुझे भी फूल करके कुप्पा होना है, मुझे भी स्वागत करवाना है अपना, तो मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगी। और इस तरह से हमारे समाज का एक एक बच्चा धीरे धीरे, ये जो कांवड़ यात्रा का जो ट्रेंड है, ये मुझे नहीं लगता है, मैं 2000 में यहाँ दिल्ली आई थी, मैंने शुरू के 5-6 साल नहीं देखे, ये 2005-7 से मैंने इनको ट्रेंड में आते देखा, और पिछले 8-10 सालों में तो गजब का पागलपन है, ये गजब का पागलपन है। हमारी माताओं को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हमारी महिलाओं को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? 11 बनेंगी, एक और एक मिल करके 11 तो बनाएंगी, दूसरी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, अपने आने वाली पीढ़ियों को मानसिक गुलामी से बाहर निकालेंगे। वो कहेंगी बेटा दीपावली बंद करो, दीपावली तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारी हार की कहानी है, चलो घर के अंदर पढ़ाई करो, दो किताब तुम पढ़ लो, और ये जो मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं ना 2 महीने में इकट्ठे त्यौहार के लिए, मैं इसको त्यौहार में नहीं खर्च करूँगी, चलो मैं तुम्हें किताब दिलाती हूँ, चलो। या फिर जब आपके परिवार का जो वयस्क पुरुष है वो काम करने जा रहा है, काम की तलाश में है, उसको काम नहीं मिल रहा, वो पैसा वहाँ खर्च होगा, वो पैसे से अपना काम स्टार्ट करेगा, तो उस त्यौहार को महिलाएं, हमारे देश में जो त्यौहार है वो सबसे ज़्यादा प्रमोट कौन करती हैं, ये महिलाएं करती हैं। हम धार्मिक कहानियों का पाठ करते हैं या सुनते हैं, लेकिन उनको भूलते नहीं, उनको पढ़ते नहीं है ध्यान से। अब हमको क्या पढ़ाया जाता है, हम चुपचाप जय बोल देते हैं, लेकिन क्या अब देखिए, हनुमान जी को सीता माता ने क्या आशीर्वाद दिया, हनुमान जी को सीता माता ने क्या आशीर्वाद दिया, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, क्या बनो दास, राम रसायन तुमरे पासा, राम नाम का रसायन। आजकल कई जगह पर सांकेतिक रूप से शराब को भी रसायन कहते हैं, दिव्य रसायन, दिव्य औषधि भी कह देते हैं लोग मजाक में, तो ये धर्म की रसायन, धर्म की अफीम, धर्म की शराब पियो, और क्या रहो हमेशा रघुपति के दास रहो, रघुपति मतलब राम, और क्या रहो दास, बराबर में मत आना। सीता माता चाहती तो कह सकती थी ना कि जाओ बेटा, पुत्र के समान समझती थी ना, अपने पुत्र के समान, पुत्र नहीं, वही सीता माता जिनको बचाने में हनुमान जी ने क्या कुछ नहीं किया, क्या अपने समाज के लोगों को धोखा दिया उन्होंने, लेकिन उन्हीं को हमारी सीता माता क्या आशीर्वाद देती हैं, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, रघुपति के दास ही बने रहना, और कुछ मत बनना, क्योंकि दास रहोगे। और इसको आप लोग फोटो में भी देखिए, हमारी महिलाएं, मैं गाली बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, मैं केवल बता रही हूँ, मैं आपके दिमाग में करंट लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी इतनी ही कोशिश है, इससे ज़्यादा मेरी हैसियत ही नहीं है। तो चित्र में देखिए, जिसको आप लोग सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं, उस चित्र में राम अपने चारों भाइयों के साथ खड़े हैं, घुटनों के बल हनुमान जी बैठे हैं हाथ जोड़कर, बाकी सब ने हाथ, राम और सीता ने हाथ उठाया हुआ है, और हनुमान जी जो कि भगवान माने जाते हैं, संकट मोचन कहलाते हैं, और वो हाथ जोड़ करके घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा, अब ये बात बिल्कुल, मैं भी चूँकि एक महिला हूँ तो मैं ये बात घर घर देखती हूँ, क्या ये सच नहीं है कि सबसे अधिक महिलाएं कहती हैं हाँ जी वो त्यौहार आ रहा है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पुरुष कमा के लाते हैं तो उनको पता होता है कि जेब में कितने पैसे हैं, अंत में कर्ज लेते हैं कि भाई दिवाली पे इसको गिफ्ट नहीं गया, उसको उपहार नहीं गया, इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया। हम कर्ज ले करके अपनी हार का जो त्यौहार है उसको मनाते हैं कि हम हारे, जय हम किसकी जय करते हैं हमको नहीं पता, वो लोग कहते हैं फलाने की जय, हम कहते हैं जय, लेकिन क्यों जय नहीं पता, क्यों नहीं पता भाई, क्योंकि हमको पढ़ने नहीं दिया गया, हमको बताया ही नहीं गया। दुर्गा माता जी के बारे में हर कोई जानता है कि दुर्गा जी देवी थी, लेकिन कभी हमारे बॉर्डर पर या हमारे ये जो थाने हैं उनमें महिलाओं को 16 सिंगार करके बैठे देखा है क्या, या हमारे सीमा पर लड़ाई छिड़ जाए तो और कमांडर कहे कि फटाफट लेडी भी मान लीजिए
वहाँ पे, कहें कि फटाफट तैयार हो जाओ, पहुँचना है फलाने बॉर्डर फलाने पॉइंट पर। तो वो कहती है रुको रुको जरा रुको, एक घंटा दे दो जरा पार्लर से होके आती हूँ। कहती है क्या वो क्या पहनती हैं? बख्तर पहनती हैं, वर्दी पहनती हैं।